यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़ने से मना कर दिया है। एक तरफ रशिया की फोर्सेस यूक्रेन के कैपिटल कीव की तरफ बढ़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो डर के नहीं भागेंगे। Всім добрий вечір. Лідер фракції тут. Голова офісу президента тут. Прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подоляк тут. Президент тут. Всі ми тут. Наші військові тут. Громадяни суспільства тут. Всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава Україні! उनके इस एटीट्यूड ने न केवल यूक्रेन के लोगों का दिल जीता है, बल्कि पूरे विश्व में उनकी चर्चा हो रही है। कौन है ये बहादुर पॉलिटिशियन? आज मैं आपको यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। मेरा नाम है अनुराग सासन और पेशे से मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट हूं, तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस इंटरेस्टिंग न्यूज वीडियो में। रशिया यूक्रेन की लड़ाई का क्या अंत होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इतिहास के पन्नों में ज़ेलेंस्की ने अपना नाम जरूर दर्ज करा लिया है। उसको एक ऐसे प्रेसिडेंट के रूप में देखा जाएगा जो रशिया से डर के नहीं भागा और एंड तक लड़ता रहा। ज़ेलेंस्की एक रशियन स्पीकिंग ज्यूइश है जो अपने कॉमेडी शो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल से काफी प्रसिद्ध हुए। उनके पास लॉ की डिग्री है, हालांकि वो बात अलग है कि उन्होंने आज तक कभी लॉ प्रैक्टिस नहीं किया। ज़ेलेंस्की के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि उनको एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट कहा जाता है। 2019 के चुनाव में वो एक बिल्कुल ही अनलाइकली कैंडिडेट थे, लेकिन जब उन्होंने अपना नाम अनाउंस किया और वो प्रेसिडेंशियल रेस में उतरे तो उन्हें काफी सपोर्ट मिला और वो ओपिनियन पोल्स में ही काफी आगे निकल गए। उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो उनको 73% वोट्स मिले। पॉलिटिक्स में उतरने से पहले ज़ेलेंस्की ना केवल एक कॉमेडियन थे बल्कि एक एक्टर भी थे और उनका एक अपना प्रोडक्शन हाउस भी था। इसको आप किस्मत कह लीजिए या इत्तेफाक, 2019 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दौरान जब ज़ेलेंस्की कैंपेनिंग कर रहे थे तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो रशिया के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देंगे, और आज देखिए दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी सुपर पावर के सामने एक देश का प्रेसिडेंट सीना तान के खड़ा है, इसके लिए वाकई बहुत गट्स चाहिए। आज इस न्यूज वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग सासन को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।